इस दुनिया के सारे चोद हमारे साथ आ रहा मजा मजा आ रहा है। गाड़ी में रेंज दिख जाओगी तुम्हें 84 किलोमीटर। और मैंने कहा था भाई इससे हाईवे पे अब जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल ही पेट्रोल पंप नहीं है। कह रहे चुपरा डलवा लेंगे तो अब शक्ल देखो घर। जय श्री राम, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय। अरे ये देखो भैया भैंस वाला दूध मिलेगा, मात्रे की यहाँ मिलेगा, ताजा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, ये देखो ये की भाई साहब एक। तो मैंने कहा भाई शुरू तो कर दिया लेकिन जो जिनके भरोसे करा था वो गंडिया गए। भाई इस ब्रिज पे आके हमें याद आता भी लोग चालू करना। तो वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। राणा जी कैसे तंग हो रहे हैं आज? क्यों पता नहीं खुजली सी हो रही है, इसका मतलब राणा जी के जख्म हो रहा। तो भाई ऐसा है आज हम जैसे कि तुम्हें पता भैया वादा तो हम इंसानों से करके ना भूलते, तो ये तो भगवान जी से वादा किया हुआ है। तो आज अकॉर्डिंग टू माई वादा जैसे मैंने बोला, मैंने कहा यार देखो डॉक्टर वॉक्टर काम नहीं आ रहे, मैंने कहा हे मेरे बजरंग बली मेरी कमर टूट गई है ठीक कर दो। 2 दिन में डॉक्टरों का भी असर आना शुरू हो गया, अब कमर भी ठीक हो गई। और कल मैंने डेड लिफ्ट मारी, इतना भी इंदा भी 4 दिन पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, कल मैंने जिम में डेड लिफ्ट मारी। तो मैंने कहा चलो पहले भैया बजरंगबली के दर्शन कराए। तो हम जा रहे हैं भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मेहंदीपुर वाला थी मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान। तो भाई सबसे ऊपर हमारे बालाजी महाराज है, बाद में पूछे ठीक है, पानी की बोतल ले लें यार क्योंकि प्यास लगे रास्ते में बहुत ज्यादा। और भाई जैसे मैं रोज रोज बोल रहा हूँ अपने सेक्सी लुक्स का प्लीज ध्यान रखो, जितने भी हमारे देसी भाई है विदेशी भाई है शहरी भाई है, देसी गबरू की किट के साथ ठीक है। दिवाली जल्दी चली जाएगी, ऑफर भी जल्दी चले जाएंगे, हेयर सीरम फेस सीरम हेयर वैक्स बियर्ड शाइनर फेस वॉश सारी चीजें मिल रही है 35% डिस्काउंट पे। जल्दी जाके www.desigabru.com पे जाके लॉग इन करो और जाके अपनी, ये मेरी पर्सनल किट है, अभी जैसे बाल वाल खराब हो जाएंगे फटाफट से वैक्स निकालूंगा, बियर्ड खराब हो जाएगी या बियर्ड में शाइन कम हो जाएगी, कम तो होगी ना वैसे, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जिम से निकले पसीना आया मुंह धो लिया तो फेस वॉश दाढ़ी में भी लगा तो सारा हमारा बियर्ड शाइनर निकल गया। तो उसको फटाफट से हम अपने लुक्स का अच्छा ध्यान रखते हुए कहीं भी जाते तो भाई लुक्स का ध्यान तो रखना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जिनको खाली प्रोडक्ट चाहिए हो सिंगल सिंगल वो भी मंगा सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर 35% डिस्काउंट चल रहा है, कोड आपको यूज करना है RFS Army 35, 35% ऑफ हो जाएगा वेबसाइट से। अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर ना कर पाओ तो आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, सबके लिंक सारे लिंक नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी कॉमेंट सेक्शन में भी, जाके वटपट बाई करो और चलो मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी। अब ये नई सफारी आई है, नई वाली सफारी आई, सेक्सी लग रही है, रही जरा कैसी सेक्सी क्या है इसमें लाइट जोड़ी ना, लाइट आगे भी चेंज करिए ना, बताओ नई सफारी कैसी कर दी, सच बताइयो ऐसे लग आगे से तो देखेंगे ना, आगे दिखाता हूँ मैंने रिलेटेबिलिटी निकाली है देख अभी बताऊंगा ना, जाम किस बात का है? अच्छा बारिश होती नहीं जाम पे लगना चालू हो जाता है, पता ना बारिश होती जाम के लगता है। ये जा रही भाई नई हमारी सफारी क्या मैं बता रहा हूँ पूरी सफारी सेम है, पीछे से लाइट जोड़ दी है ना आपस में, नेक्सॉन जैसी लग रही है, नेक्सॉन छोड़ ऐसे लग रही है जैसे कुछ लोगों की भौना जुड़ी रहती है। हाँ, हाँ, एक मूवी आता था कार्टून नेटवर्क कोचिका में, ये ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी घर पे कह रहा हूँ बड़े अच्छे दिए भाई, 19 इंच दिए इसमें, हाँ नहीं बट डिजाइन भी अच्छा है। मैं घर में कह रहा बुआ मम्मी कह रही कहाँ है बुआ कहाँ है बुआ किचन में खाना बना रही है। तो भाई बहुत लंबा रास्ता होने वाला आज का, 4-5 घंटे में जाने में लगेंगे, 2-3 घंटे दर्शन में और 4-5 घंटे वापस आने में, मतलब अभी निकले हम कितने बज रहे हैं 2:02 हो रहे हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। कोई नहीं कल सुबह या लेट नाइट देखते हैं जो भी होगा, कल तो आने पड़ेगा छोटी दिवाली है घर पूजा होनी है। यस चलो इस दुनिया के सारे चोद हमारे साथ आ रहा मजा मजा आ रहा है गांड पट गई भाई। हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं ठीक है, और मैंने निकलने से पहले ही बोला था गाड़ी में रेंज दिख जाओगी तुम्हें 84 किलोमीटर। और मैंने कहा था भाई इस हाईवे पे अब जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल ही पेट्रोल पंप नहीं है। कह रहे चुपरा डलवा लेंगे तो अब शक्ल देखो घर से तूने घर से निकलते टाइम कहा था यहीं डलवा ले बोला, तो मैंने कहा आगे डलवा लेंगे मतलब दिल्ली में कहीं डलवा लेंगे, अभी ब्रेक मत लगवा रुकवा मत क्योंकि बारिश हो रही थी जाम मिलेगा। अब मैं ब्रेक नहीं लगवाऊंगा, इस पर चढ़े तो तुझे बतानी चाहिए थी ना, मैंने उससे पहले बता दिया ना तुम्हें। यार दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस इधर लेफ्ट लेनी है, कहाँ लेनी, लेफ्ट लेनी है, अब चढ़ाओ कहाँ लू यहाँ ऐसे। पंडित जी अभी तुम सबको वो दिखा रहे थे ना डिस्टेंस टू एमटी 80 किलोमीटर, अब दिखाओ जरा 400। देखो तुम्हारा भाई अपनी किस्मत लेके चलता, 7
कोई नहीं छीन सकता। पूरे रोड पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ से वहां तक, 80 किलोमीटर की रेंज थी और हमें 200 किलोमीटर जाना भी कम से कम। रास्ते में गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता, गाड़ी खड़ी हो जाती, कहीं कोई तेल नहीं है, मदद कोई किसी की करता नहीं। अब देख लो किस्मत है, रास्ते में एक भाई मिल गया, पट्टी लेके जा रहा हूँ, दे दे एक्स्ट्रा में। कह रहा कितने दोगे? मैंने कितने लोगे? उसने कहा 120 रुपए लीटर लूंगा। मैंने कहा फुल कर दे। अरे मुंबई 1204 चले क्या? मैंने कहा भाई फुल रहन दे, जितनी हो पाए कर दे, तो फुल से थोड़ी सी कम रह गई। उसपे एक कट्टी थी ना, भर गया पूरा, भर गया पूरा। तो भाई सेफली पहुंच जाएंगे बालाजी महाराज के यहाँ मस्त एकदम। अब सीधे चल के भैया हम गाड़ी चलाने फोकस करें, ब्लॉगिंग करें बंद, और वहाँ चल के ही आपको दर्शन मिलते हैं, दर्शन करवाते हैं। चलो भाई मेहंदीपुर बालाजी की गलियों में आ चुका हूँ मैं, और दर्शन आज भी VIP है, कोई शोर नहीं कुछ नहीं। कैसे धनतेरस का दिन है, कोई नहीं है, सारे भक्त धनतेरस मना रहे हैं बाबा जी। ये पूरी गली ना बालाजी की है, और तीन या चार गाड़ी खड़ी है बस, जहाँ पे की 1000-2000 गाड़ी खड़ी होती है, बहुत आराम। तीन या चार गाड़ी मस्त जाएंगे, मस्त दर्शन करके आएंगे, बिल्कुल मंदिर बंद होने के टाइम पे आए, बस हमारे दर्शन होने और सीधे वापस जाए। कहते हैं बाबा की अपने भक्त पे सीधी नजर। मैं ये सोच रहा, मैंने कहा पता नहीं कि पहुंच पाएंगे नहीं, पहले हम गलत भी चले गए, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं GPS हमारा गलत ना ले जाए। हमें GPS गलत ले गया, लेकिन घूम फिर के टाइम पे आ ही गए। टाइम पे भी ऐसे आए, देखो सब कुछ खाली है, बस हम ही है, मैं और मैं। बाबा कह रहे कहाँ भीड़ में घुसेगा, लाइन में लगेगा, फटाफट आ जा दर्शन करके साफ जा। इसे कहते हैं बुलावा। मेरे मेहंदीपुर बालाजी का हमारा प्लान पता कब से बन रहा है? 2021 सितंबर से, जब मैं बाहर आया था, जब से मैं तो होके आ गया था, आप पर आ गया था, लेकिन होते 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 देखो सडन प्लान बना, कमर में चोट लगी। मैं कहा बाबा आऊंगा, माफ कर दो गलती होगी, आ नहीं पाया, कमर की चोट ठीक हुई। सुबह मैसेज करा मैंने इसे, मैं इनको, मैंने कहा भाई खड़ा हो ले फटाफट, बालाजी चल रहे हैं। इसने कहा ठीक है। तो कहते हैं भाई जब तक बुलावा ना आए तब तक कितनी भी आप प्लान बना लो, नहीं जा सकते, बुलावा आता एकदम से सडन प्लान बन जाता। आज सडन प्लान बन गया, देखो आ गए। चलो भाई प्रसाद प्रसाद ले ले और दर्शन कराएं तुम्हें। जय श्री राम, 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 बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। केसर वाला दूध पी रहे दिनों, कैसा दूध है ताऊ बताना एक बार? ताजा भैंस का दूध है बाबूजी। अरे ये देखो भैया, भैंस वाला दूध मिलेगा, मात्रे की यहाँ मिलेगा, ताजा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, ये देखो ताऊ की मुँह छर्दी होती है भाई साहब, एक देसी का करो। ये देखो भैंस वाला दूध मिलेगा तो यहाँ मिलेगा भैया जी, भाई बहुत दमदार दूध है, मजा आ गया। तो भाई लोग दर्शन करके राजस्थान से नोएडा से राजस्थान, राजस्थान से नोएडा, ऐसे करा बिल्कुल श्यू, हाँ, और खत्म खत्म। भाई अब इतनी तेज भूख लग रही है तो मैं क्या बताऊं। अड्डे पे आ गए अपने महंगी मामी कैफे पे, तो भाई कह रहे भैया वो तुम्हारे कैफे का क्या हो, वो दिख रहा रसोईया जी, वो भाई हमने वो हमारा वाला ही है, वो सेल कर दिया, क्योंकि भाई बैठने में उसे संभालने बहुत, या तो देसी का, मैं मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन ना हूँ अभी मैं, हाँ, संभाल लूँ या तो देसी कपड़ू संभाल लूँ, या वो संभाल लूँ, या यूट्यूब चैनल संभाल लूँ, या थोड़ा बहुत वर्कआउट संभाल लूँ। तो मैंने कहा भाई शुरू तो कर दिया, लेकिन जो जिनके भरोसे करा था वो गंडिया गए, तो उस चक्कर में भाई बेच दिया, बड़े चल रहा है जरा एक नंबर। भाई खाना खाने आ गए, बाय बाय टेक केयर, बहुत तेज भूख लग रही है, अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़े चक्कर में, कोई नहीं चक्कर में, बाय।